वालेकुम अस्सलाम भाई। अभी खुदी होता है चेक करो यार भाई, इसमें गुजा रहा माइक। थैले पे तो कोई भी ना ले आते लोग तुम्हारा। उर्दू सर हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंदर साउथ जोन पुलिस अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल डीसीपी एसीपी फयाज पलकनामा एसीपी आनंद मीरचौक इंस्पेक्टर चंद्रन गुट्टा इंस्पेक्टर रेन बजार सब दो टीम्स बना के 30 लाख वर्थ गुटका जर्दा दो भी बैनड आइटम्स है। ये गुटका जर्दा एंड मिशंस रॉ मटेरियल पैकिंग पेपर एंड दैट मिशनरी रॉ मटेरियल ये पूरा सीज कर दिया। रेन बाजार का पुलिस 5 लाख वर्थ ये गुटका जर्दा प्रोडक्ट्स एंड उनका रॉ मटेरियल सीज कर दिया अमन नगर से। चंद्रन गुट्टा पुलिस एक मुनूरुद्दीन एक बीटेक स्टूडेंट था, यह फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनका अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये पूरा आजकल बैन हो गया, पुलिस भी टाइट कंट्रोल कर रहा है। इस मामला में थोड़ा रिमोट एरिया में वो मिशनरी इंस्टॉल करके वो बनाना चाह के वो एक दो महीने हो गए। ये कोत्तपेटा बालापुर पुलिस स्टेशन के अंदर कोत्तपेटा विलेज वो चंद्रन गुट्टा से थोड़ा आगे है, वहाँ वो यूनिट इंस्टॉल कर दिया। इसको पकड़कर इसका कुछ पैकेट्स पकड़कर इसके कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बालापुर पुलिस स्टेशन के अंदर कोत्तपेटा विलेज जाके ये पूरा मशीनरी एंड 25 लाख वर्थ ये पूरा पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल चालिया टोबैको पाउडर और ब्लेंडेड गुटका ये पूरा सीज कर दिया। ये लोग मेन
जो है वो बनाने वाले, ये पूरा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो गया ऑलमोस्ट ऑल। अभी कुछ लोग थोड़ा गली गली से रिमोट एरिया में बाहर से यूपी बिहार से लोगों को लाके यहाँ आदमी उनको असिस्टेंट बनाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन दे देगा मीडिया को पुलिस को, ऐसा समझकर वो बिहार यूपी से वो लेबर को लाके चुपचाप करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कम्युनिटी से आए, उनको पकड़ कर ये पूरा सीज कर दिया। तो ये आदमी संतोष नगर का रहने वाले, सो टोटल मुनूरुद्दीन और शेख मोहम्मद अमीद, शेख अनवर एंड मोहम्मद उस्मान, चार लोगों को गिरफ्तार करके ये 30 लाख वर्थ गुटका जर्दा एंड मिशनरी ये सीज करके कोर्ट के सामने पेश कर रहे। दो इश्यूज में वो बॉर्डर एरिया साइबराबाद, राचकोंडा, चंद्रानगुट्टा, बहादुरपुरा एरियाज में थोड़ा कॉलोनीस में चुपचाप रिमोट कॉलोनीस में करके वो बाहर यूपी कानपुर बिहार से कुछ लोग लेबर को लाके बना रहे, लेकिन तुरंत इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये भी थोड़ा अभी शुरू कर दिया, शुरू करने में इन्फॉर्मेशन आया तो पब्लिक के अवेयरनेस अभी बढ़ गए, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो किसी रूप से गुटखा और जर्दा ये बैनड प्रोडक्ट्स एलो नहीं करेंगे, सख्ती से एक्शन ले लेंगे। और दूसरा बीदर, गुलबर्गा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से थोड़ा क्लैंडेस्टाइन मैनर में ला रहा है छोटा छोटा पैकेट्स, वो भी ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टर्स जो आदमी पहले करा उनको पूरा नज़र रख दिया, उनके मूवमेंट्स को, उनका बिहेवियर को वो सर्विलेंस कर रहे। तो इस मामले में अगर स्टार्ट करेगा तो इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सो 99% पूरा कंट्रोल हो गया। तो ये बहुत बढ़िया कैच है। तो कोई वो लोग सोच रहा है पुराना शहर और हैदराबाद सिटी में दूसरा वाला नहीं आएगा, हम बाहर नहीं जाएंगे, बेदर भी जाएंगे, गुलबर्गा जाएंगे, मेन आदमी को भी पकड़ेंगे, लेकिन ये इंस्टॉल कर दिया मेन आदमी इज अ मुनूरुद्दीन। लास्ट 6-7 मंथ से वो स्टॉप कर दिया, वो ब्रांड्स डुप्लीकेट करके बना रहा है। असल गुटका इट्सेल्फ इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ, अगर डुप्लीकेट फेक एडल्ट्रेटेड करेगा तो और ज़्यादा इर्ली में नुकसान पहुंच जाएगा, ज़्यादा लोग वो डुप्लीकेट बना रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन में मालूम हुआ हमको, बीटेक स्टूडेंट अभी क्या कर दिया, ये पूरा बैग